नमस्ते। हापुस आम, वाओ, हापुस आम यानी किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का महाराजा आम है ये। इसका स्वाद, रंग और महक जो कोई भी एक बार चख लेगा वो कभी भी नहीं भूल पाएगा, बहुत ही बढ़िया। तो इसको इस तरह से छिलका उतार के, जैसे केले का छिलका उतारते हैं हम लोग, उसी तरह से इसका छिलका उतार के पहले इसको काट लेते हैं। काटने के लिए भी बड़ी नज़ाकत के साथ इसके अच्छे से क्यूब्स बनाने पड़ेंगे, एकदम सॉफ्ट मुलायम। और रंग भी इतना सुंदर गोल्डन कलर, एकदम ब्राइट गोल्डन कलर। चाहो तो आप इसको इस तरह से ब्लेंड कर लो, एकदम गाढ़ा होमोजीनियस पेस्ट बनेगा। और ऐसे ही इसे चख लो या फिर रोटी के साथ खा लो, मिल्कशेक बना लो, या ऐसे क्यूब्स ही क्यों ना ठंडे करके फ्रिज में खा लो। मेरे दिमाग में कुछ अलग आइडिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आम के सारे छिलके सुखा लिए हैं ढंग से, और अभी इन सूखे छिलकों को मैं काट रही हूँ। और कुछ लंबे लंबे पीसेस मैं बनाऊँगी इनके, और कुछ ट्रायंगुलर पीसेस बनाऊँगी। कुछ तो दिमाग में है, इसलिए मैं इन छिलकों को काट रही हूँ। अच्छी तरह से सूख गया है, हार्ड हो गया एकदम, और इनका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, फ्रेश मैंगो का जो कलर होता है उसके अलावा, तो थोड़ा सा रस्टिक और ब्राउनिश लग रहा है, लेकिन कितना सुंदर लग रहा है ये कलर भी। तो ये पीसेस हमारे काट के रेडी है, इनको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास ये बोर्ड है टेक्सचर वाइट लगाया हुआ, तो इस बोर्ड को थोड़ा सा मैंगो पल्प हम चखा देते हैं। तो ये गाढ़ी मैंगो पेस्ट, अल्फांसो मैंगो पेस्ट मैं यहाँ पे स्पून से डाल रही हूँ, और अभी इस गाढ़ी अल्फांसो मैंगो पेस्ट को, गोल्डन पेस्ट को मैं अच्छे से फैला लूँगी नाइफ से। देखिए ना, बिल्कुल एक्रिलिक कलर या ऑयल कलर के जैसी होमोजीनियस पेस्ट बन गई है ये। और इसको फैलाते वक्त भी, मतलब कलर के अलग अलग शेड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क, और अपने आप में ही ये बहुत ही कुछ अच्छा सा बनने जा रहा है, ऐसा मेरा ख्याल है। ये नाइफ़ के स्ट्रोक्स होने के बाद अभी दूसरा नाइफ़ ले लेती हूँ मैं, और इसके कुछ इम्प्रेशंस इस पल्प के ऊपर लगा देती हूँ। थोड़े नीचे की तरफ, थोड़े से ऊपर की तरफ भी लगा देते हैं। और ये इम्प्रेशंस लगाने के बाद और एक नाइफ मैं ले लूँगी, और इस नाइफ से रेक्टेंगुलर शेप के ये इम्प्रेशंस मैं बना दूँगी। जहाँ से मैंगो पल फट रहा है वहाँ पे एकदम लाइट शेड में रेक्टेंगल्स उभर के आए हैं। तो ये हमारे इम्प्रेशंस होने के बाद नाइफ के वो जो छिलके वाले टुकड़े थे उनको हम यहाँ पे चिपका देते हैं। मैंगो पल्प ऑलरेडी स्टिकी होता है, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है अलग से एडहेसिव लेने की,
वाह कुछ तो अच्छा बनने जा रहा है सच में। ये तो बढ़िया सा लैंडस्केप हो रहा है। और यहाँ पे ये ट्रायंगल्स और लाइंस वगैरह चिपकाने के बाद में चलिए अब थोड़ा सा और मैंगो पल्प डाल देते हैं इसके ऊपर, जिससे थोड़ा सा पेड़ों वाला, घने पेड़ों वाला इफ़ेक्ट आ जाए इसमें। ऊपर का हिस्सा मैंने खाली छोड़ा है पर्पजली वाइट, तो ये नीचे वाला घर और पेड़ों वाला हिस्सा होने के बाद यहाँ पे थोड़े से बादल और उंगलियों के इम्प्रेशंस देके सूरज बना दिया है मैंने। और नाइफ के इम्प्रेशंस में हम यहाँ पे थोड़े पंछी भी बना देते हैं। कितना कितना सुंदर इफ़ेक्ट आया है देखिए ना, गोल्डन कलर के इतने सारे शेड्स, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। सूखने के बाद ये इतना ब्राइट नहीं लगेगा, क्योंकि मैंगो पल्प भी जिस तरह से छिलका सूख गया है रस्टिक और ब्राउनिश शेड में, उसी तरह से ये सूखेगा। तो ये 4 दिनों के लिए तो इसको सूखना पड़ेगा, और 4 दिनों के बाद ये पूरा सा सूख गया है। और जो पेड़ है उनके लिए भी ब्लेंडर चलाने की वजह से मैंगो पल्प में जो बबल्स आए थे उसका घने पेड़ पत्तों के जैसा इफ़ेक्ट इसमें आया हुआ है। अभी यहाँ पे ये ब्लैक कलर का और गोल्डन कलर का पेन लेके बिल्कुल माइन्यूट हाइलाइट्स में दे दूंगी। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये आम के थिक लेयर्स और थिन लेयर्स में जो भी गोल्डन कलर के शेड्स पेंटिंग में आ चुके हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। बस घरों के कुछ दरवाज़े खिड़कियाँ वगैरह ब्लैकिंग पेन में मैं कर रही हूँ, और पेड़ों के लिए भी इवन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंगो पल्प के बबल्स सेट होने के बाद में बिल्कुल ऐसे घने पत्तों जैसा उसमें अच्छा सा इफ़ेक्ट आया है पेड़ों में, और कहीं पे गोल्डन, कहीं पे ऑफ वाइट, कहीं पे रस्टिक कलर के शेड्स जो आए हैं पेंटिंग में, उसकी वजह से बहुत ही सुंदर लग रहा है पेंटिंग। तो मैंगो पल्प खा के मेरा पेंटिंग वाला बोर्ड भी खुश हो गया है, और उसने कुछ अच्छे से क्रिएट करके दिखाया है मुझे। खुश हूँ मैं इसके लिए। पंछियों के लिए गोल्डन कलर की थोड़ी सी बॉर्डर लगा देते हैं, और सूरज के लिए भी बॉर्डर बना देंगे गोल्डन कलर में ही। और जब ये पेंटिंग अच्छी तरह से सूखेगा और 8-10 दिन जाने के बाद में, तो इसके ऊपर वार्निश स्प्रे किया जाएगा। सूरज की बॉर्डर और सूर्य किरण भी हो गए हैं रेडी। एक बार इस पे वार्निश लग जाएगा तो इस पे फंगस वगैरह आने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे, और ये पेंटिंग हमारा हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा अल्फांसो मैंगो पर्ल पेंटिंग तैयार हो गया है। गोल्डन शेड्स में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मिलते हैं फिर अगली बार और कुछ नया लेके। थैंक यू।